अरे दिव्या और कपू आज क्या कर रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। अच्छा ये तो पेपर क्राफ्ट कर रहे हैं। तो दिव्या ने 7x7 सेंटीमीटर के ये टुकड़े काट लिए और कपू मेरे से लड़ाई करने लगा कि आप क्यों आए, हम दोनों ही काम करेंगे। वैसे आज आपको मेरी आवाज सॉफ्ट स्वीट और कुछ नेचुरल लग रही है ना, क्योंकि मैं हूँ पियर में और घर के आगे दोरे के ऊपर एकदम प्रकृति की गोद में बैठी हूँ और कपू बैठा है मम्मी की गोद में। इवन उनकी गोद में तो आज दो दो बच्चे। तो दिव्या ने इस पंखुड़ियों पर कुछ ड्रॉ करके कुछ ऐसे काटा है कि बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अरे नहीं नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, एक पंखुड़ी काट के फेंक दी, दूसरी आधी काटी और फिर पिंक कलर से कुछ ऐसे शैडो ड्रॉ किया है ताकि एकदम ओरिजिनल फूल लगे। जब कपू ने दो तीन फ्लावर बर्बाद करती है तो दिव्या ने कहा तेरी हेल्प मुझे भारी पड़ रही है, तो इसने आंसुओं की नदियां बहा दी, जाके नानी से शिकायत कर दी। इसी बात पे नानी को इतना गुस्सा आया कि सामान वामान पैक करके दोनों गांव के लिए रवाना होने वाले थे, तब तक कपू ने तो दिव्या से वापस पैचअप कर लिया। अब आपको तो पता ही है दिव्या तो ठहरी बहुत बड़ी क्राफ्टर, तो बाकी का मजदूरों वाला काम तो मुझे दे देती है। तो फ्लावर बना के दे दिए और अभी मैंने स्ट्रॉ बना लिए पेपर की और इनको ऐसे काट काट के अटैच कर दिया और मोती कुछ में इसने लगा दिए कुछ मैंने लगाए। अब आप सोचेंगे कपू ने तो पैचअप कर लिया फिर आप गांव कैसे आए, तो जैसे गमला बनकर रेडी हुआ मेरी भाभी वहां पहुंच गई और 150 किलोमीटर की दूरी तय करके गमला लेके अपने घर लाके लगा दिया। अब इसको लेने के लिए हम यहां पर आए सारे सारे। अच्छा आपने वीडियो में प्ले बटन देखे कितने थे?